कोटक महिंद्रा बैंक के स्टेटमेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाउनलोड करने का सही तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मोबाइल ऐप से बैंक के स्टेटमेंट डाउनलोड करना बहुत सारे लोग जानते हैं। इस वीडियो में आपको नेट बैंकिंग के थ्रू स्टेटमेंट डाउनलोड करना बताऊंगा। अगर आप नेट बैंकिंग एक्टिवेशन पर वीडियो चाहते हैं तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड मेन्यू पर स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद पहला ही ऑप्शन अकाउंट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन सबसे आसान है जहां पर लास्ट 92 डेज लिखा है, वहां पर ड्रॉप डाउन बना है, उसको क्लिक करते हैं तो कस्टम डेट्स यहां पर क्लिक करके डेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रॉम डेट और टू डेट इस तरह से आपको कैलेंडर में से पिक करनी होती है। मैं यहां पर फिलहाल 6 मंथ की स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहा हूं, तो मैंने सेप्टेम्बर से मार्च तक की स्टेटमेंट यहाँ पर डेट सेलेक्ट की है। और उसके बाद डेट ऑर्डर, देखिए यहाँ पर हमेशा डिसेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको आपको असेंडिंग करना है, क्योंकि असेंडिंग करने से जो पुरानी डेट है वो पहले आएगी और जो लेटेस्ट है वो बाद में आएगी। ये करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड स्टेटमेंट पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर PDF सेलेक्ट करके हमारी स्टेटमेंट जो है PDF में इस तरीके से डाउनलोड हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, यहाँ पर ब्रांच का IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कस्टमर की पूरी डिटेल, नेम, एड्रेस, सब कुछ आता है। अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप WhatsApp से भी बैंक के स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।